छत्तीसगढ़ कोंडागांव से मुकेश मार्केंडे की रिपोर्ट। प्रदेश में लगभग 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कोरोना संकट के बीच शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। देखते रहिए UBN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। जाने का ऐलान कर दिया है। इन कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मी शामिल हैं। इस कड़ी में कोंडागांव जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र जारी किया था। कई सालों से संविदा में कार्यरत है और कोविड में जी जान लगा के सेवाएं दे रही है। प्रशासन जो थे पुराने सत्र में जो था उनका कहना था कि हम लोग को रेगुलर करेंगे, पर वो शासन आज तक अपने वादा नहीं निभाई है। उसका एक विरोध हमारी ओर से ही है, जिसके कारण हमारा एक सूत्री मांग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए खड़े हैं। वो NHM के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक दिन पहले ही लेटर दिया जा चुका है कि हम 19 तारीख को स्ट्राइक पर रहेंगे राज्य भर में। तो उनके द्वारा आज अभी तक उपस्थिति नहीं दी गई है। बाकी जो राज्य से जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगी। तो सर, उनके हड़ताल करने से इधर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी क्योंकि अपने स्वास्थ्य विभाग में NHM के बहुत कर्मचारी उनके नहीं आने पे कार्य प्रभावित तो हो रहा है। जांच की प्रक्रिया में थोड़ा सा बाधा पहुँचेगी, रिपोर्टिंग का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बाधा आएगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग मैनेज करने का उसको, लेकिन प्रभावित तो हो रहा है।